हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ ज्ञानवर्षा प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में देखा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक लिया था हमने, स्केल। स्केल क्या होता है उसके बारे में हमने देखा था और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमने उसमें डिस्कस करी थी। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर को आगे देखते हैं, उसके कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार पहले वाला लेक्चर आप जरूर देखिए, जिससे आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, 1/500 निरूपक भिन्न 80 मीटर पढ़ने के लिए एक पैमाना बनाइए एवं पैमाने पर 63 मीटर की दूरी दर्शाइए। ठीक है, 1/500 निरूपक भिन्न मतलब आरएफ दे के रखा है 80 मीटर पढ़ने के लिए। 80 मीटर मतलब अधिकतम दूरी आपको कितनी दे के रखी है, 80 मीटर पढ़ने के लिए एक पैमाना बनाइए जो 63 मीटर की दूरी प्रदर्शित करिए। तो अब आप बताइए कि इसमें साधारण पैमाना बनाओगे कि विकर्ण पैमाना बनाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब दो कॉन्सिक्यूटिव यूनिट को नापा जाता है, दो कॉन्सिक्यूटिव यूनिट मतलब जब दो क्रमागत मात्रकों को नापा जाता है तो उस समय हम साधारण पैमाना बनाते। जब तीन क्रमागत मात्रकों को आपस में नापा जाता है, तब हम विकर्ण पैमाना बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अब साधारण पैमाना बनाएं कि विकर्ण पैमाना बनाएं, तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको बताया था कि स्केल बनाने के लिए सबसे पहले कोई सा भी स्केल हो उसका आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल निकालना पड़ता है। ठीक है, तो उससे आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल सबसे पहले निकालते हैं। ठीक, तो आरएफ क्या दे के रखा है इसने, आरएफ आपका दे के रखा है उसने 1/500। कितना दे के रखा है, 1/500। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल मतलब अधिकतम, आरएफ इंटू अधिकतम दूरी होती है, आरएफ इंटू अधिकतम दूरी। तो आरएफ कितना है, 1/500 इंटू अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी कितना दे के रखा है, 80 मीटर। ये हो गया 80 मीटर। ठीक है, और मैंने एक चीज़ बताया था कि हमेशा लेंथ ऑफ स्केल काय में निकालना सेंटीमीटर में, हमेशा लेंथ ऑफ स्केल काय में निकालना सेंटीमीटर में, क्योंकि आपका ये जो स्केल है वो काय में पड़ता है, सेंटीमीटर में पड़ता है। आपका ये जो स्केल है हमेशा काय में पड़ता है, सेंटीमीटर में पड़ता है। तो आप हमेशा लेंथ ऑफ स्केल काय में निकालोगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 80 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 80 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप बता पाओगे 1/500 ऐसा का ऐसा इंटू 80 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते। 00 से 00 कैंसिल आउट, 5 से इसको यदि काटोगे तो 5 × 5। ठीक है, कितना आया, 3 × 5 = 16, मतलब 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, जितना लेंथ ऑफ स्केल आए उतनी लंबी आप लाइन खींचिए, जितना लेंथ ऑफ स्केल आए उतनी लंबी आप लाइन खींचिए। तो देखिए मैं उतनी लंबी एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ तक दिख रहा है आपको, यहाँ तक दिख रहा है ना, ये आ गया आपका ये 15 सेंटीमीटर, और इसके आगे एक और बढ़ाया, ये हो गया आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, इस लाइन को हमको बराबर भागों में डिवाइड करना है। अब कितने भागों में डिवाइड करना है ये बताओ। ठीक है, तो अब उसने बोला कि ये स्केल अधिकतर 80 मीटर तक नाप सके, ये स्केल अधिकतर 80 मीटर तक नाप सके। अब एक चीज़ बताओ, इस लाइन के आप 80 टुकड़े कर सकते हैं क्या, इस लाइन के आप 80 टुकड़े कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इस लाइन को उतने टुकड़ों में ही बांटना जितना अधिकतम वो बोल के रखे, जितना अधिकतम वो बोल के रखे। अब आप अधिकतम कितना बोल रहा है, 80, तो इस लाइन के 80 टुकड़े करना पॉसिबल नहीं है, इस लाइन के 80 टुकड़े करना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, जब आपके पास 10 या 10 से बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, 10 या 10 से बड़ा नंबर आ जाए, तो या तो उसको 5 से भाग दे दो या तो उसको 10 से भाग दे दो। ठीक है, या तो उसको 5 से भाग दे दो या तो उसको 10 से भाग दे दो। अब ये 80 को यदि 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 80 को यदि 5 से भाग दोगे तो 16 आएगा। तो इस लाइन के 16 भाग करना भी पॉसिबल नहीं है, 16 भाग करोगे तो हर एक भाग बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, हर एक भाग एक एक सेंटीमीटर का हो जाएगा, मतलब ये भी बहुत होशपोश वाला हो जाएगा। ठीक, तो एक बार 5 से भाग दे के देखा तो कितना आया, 16। तो इस लाइन के 16 टुकड़े कर सकते हो क्या,
नहीं कर सकते। फिर दूसरा स्टेप क्या है, 10 से भाग लगाओ, 5 या 10, ठीक है। तो 10 से भाग लगाओगे तो 80 को 10 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 8। 8 टुकड़े करना पॉसिबल है इस लाइन के, 8 टुकड़े करना पॉसिबल है, तो हम इस लाइन के कितने टुकड़े करेंगे, 8 टुकड़े करेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। टुकड़े करना आपको आता है, एक कोई सी भी लाइन खींचो किसी भी एंगल पर, एक कोई सी भी लाइन खींचो किसी भी एंगल पर, ठीक है। और इसको 8 बराबर चाप में काट दो, जैसे एक दो तीन चार पांच छः सात, और ये हो गया आपका 8, ठीक है। दिख गए 8 टुकड़े, 8 टुकड़े दिख गए। अब मैंने क्या बोला था, इस लास्ट वाले पॉइंट को इस लास्ट वाले पॉइंट से मिला, इट्स एंड पॉइंट से मिलाते, इस लास्ट वाले चाप को इस लास्ट एंड चाप से मिलाते। ये देखिए, ये मैंने लास्ट वाले चाप को लास्ट एंड चाप से मिला दिया, ठीक है। उसके बाद अब रोलर स्केल को इस पे रखते हो, इस पे सेट करके रोलर स्केल को पीछे की ओर बढ़ाते, ठीक है। तो ये जिस चाप पे आता है उस चाप को इसके पैरेलल लाइन खींच देते, मतलब समांतर रेखा, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक 2 सेंटीमीटर का डब्बा बनाते, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक 2 सेंटीमीटर का एक डब्बा बनाते, ये 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाते, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इन लाइन को ऊपर की ओर मिला दो, इस तरीके से, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, इसके बाद बारी आती है नंबरिंग की बारी। तो नंबरिंग कैसे करते हैं, मैंने बोला था पहला नंबर हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 6, 7 तक हो गया। अब एक चीज़ देखो, उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि अधिकतम कितना नाप सके, 80, अधिकतम कितना नाप सके, 80। तो आप यहाँ अधिकतम कितना नाप के बता रहे हो, 70 नाप के बता रहे हो, आप यहाँ अधिकतम कितना नाप के बता रहे हो, 70 नाप के बता रहे हो। तो उसने 80 नापने को बोला, आप 70 नाप रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है, सुनो, आपने इस 80 को 10 से भाग लगाया था, आपने 80 को 10 से भाग लगाया था, जितने का भाग लगाया था उतने का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 0 में 10 का गुणा करोगे तो 0 आएगा, 1 में 10 का गुणा कर दो, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70, तो ये 70 और ये 10 हो गया 80, तो टोटल 80 हो गया, यहाँ तक 70 और ये हो गया आपका 10, 80, तो टोटल 80 हो गया, ठीक है। ये कौन सी स्केल हो गई आपकी, मीटर की स्केल हो गई, METER, ये आपकी कौन सी स्केल हो गई, मीटर की स्केल हो। अब देखो उसने नापने क्या बोला, उसने नापने बोला 63 मीटर, उसने नापने बोला 63 मीटर। अब एक चीज़ बताओ, 63 आप इसमें नाप सकते हो क्या, नहीं नाप सकते। तो इसको मैंने 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक तो 60 मीटर और 3 मीटर, 60 मीटर और 3 मीटर, 60 मीटर और 3 मीटर हो गया, 60 मीटर और 3 मीटर मतलब 63 मीटर हो गया, ठीक है। तो 60 को मैं यहाँ से नाप लूँगा और 3 को मैं यहाँ से नाप लूँगा। अब 3 के लिए क्या करा जाए, यहाँ पर और एक मीटर वाली स्केल बनानी पड़ेगी,
यहाँ पर, और एक मीटर वाली स्केल बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाओगे? अब देखो कि ये एक भाग कितने मीटर का है, ये एक भाग 10 मीटर का है, क्योंकि 10 10 का गैप है ना सब में, तो ये एक भाग 10 मीटर का है। यदि इस एक भाग के में 10 टुकड़े कर दूँ, यदि एक भाग के में 10 टुकड़े कर दूँ तो एक भाग एक मीटर का कहलाएगा, समझना। ये पूरा भाग 10 मीटर का है, इस 10 मीटर के वाले भाग को यदि मैं 10 टुकड़े कर दूं तो एक भाग एक मीटर का कहलाएगा, तो उससे मेरे को 3 मीटर वाला भाग मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पहले वाले भाग को आप कितने टुकड़े करोगे? 10 टुकड़े करोगे। इस लाइन के आपने 10 चाप काट दिए, इस लाइन के आपने कितने चाप काट दिए? 10 चाप काट दिए। उसके बाद क्या करते हैं, इस लास्ट चाप को एंड वाले पॉइंट से मिलाते हैं, इस लास्ट चाप को एंड वाले पॉइंट से हम मिला देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके समांतर एक एक रेखा खींचते जाते हैं, ठीक है, रोलर स्केल से खींचना इस तरीके से ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम एक सेंटीमीटर पर एक लाइन खींचते हैं, तो यह एक सेंटीमीटर पर एक लाइन खींच देता हूँ मैं, दिस एंड दिस, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटीमीटर पर मैं लाइन खींच देता हूँ। इसके बाद इन जो नीचे जो पॉइंट आए, इन पॉइंटों को ऊपर मिला दो, हो गया क्लियर। इसके बाद आती नंबरिंग की बारी, ये जीरो है, ये वाला जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाले लास्ट वाला पॉइंट 10। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये कौन सा स्केल है? ये भी मीटर का स्केल है, ये भी आपका मीटर का स्केल है, ठीक है, ये भी मीटर का स्केल है। तो यहाँ पर आप मीटर लिख के लाइन खींच दीजिए। ऐसा क्यों करा? क्योंकि 63 आप डायरेक्ट नहीं माप सकते हो, 63 को आप दो टुकड़ों में माप सकते हो, एक तो 60 और एक 63, ठीक है। तब 63 को कैसे नापोगे देखना, ये 60, तो यहाँ से आप 60 उठा लो और यहाँ से 3, तो 1 2 3, ये 3 वाला पॉइंट, ठीक है, ये 3 वाला पॉइंट यहाँ पर कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट को आप हल्का सोचकर बना दो, ये जो आपको लाइन मिली, ठीक है, ये जो आपको लाइन मिला, ये किसकी लाइन है? 63 मीटर की लाइन है, ये 63 मीटर की लाइन है, ठीक है। तो मैंने बोला था जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद नीचे लास्ट में क्या लिखते, आर एफ, इसका आर एफ कितना है? 1/500। और लेंथ ऑफ स्केल, तो लेंथ ऑफ स्केल कितना है इसका सर? इसका लेंथ ऑफ स्केल है 63 मीटर, ठीक है, 63 नहीं, इसका लेंथ ऑफ स्केल कितना आया था? दैट इज़ ए 16 सेंटीमीटर, दैट इज़ ए 16 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको एक बार पढ़ के करने की कोशिश करिए। क्या है, एक साधारण पैमाने की रचना कीजिए, ठीक है। तो उसने बोल दिया एक साधारण पैमाने की आपको रचना करनी है जिसका निरूपक भिन्न, मतलब आरएफ दे के रखा है 1/4, तथा इस पर डेसीमीटर व सेंटीमीटर पढ़ा जा सके। तो मतलब स्केल किसके बीच में बनाना आपको, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, क्योंकि डेसीमीटर और सेंटीमीटर दो क्रमागत यूनिट है। तो दो क्रमागत यूनिट को नापने के लिए आप कौन सा पैमाना बनाते हो, साधारण पैमाना, ठीक है। एवं वह पैमाना इतना बड़ा हो कि, एवं वह पैमाना इतना बड़ा हो कि 6 डेसीमीटर तक की दूरी नाप सके। 6 डेसीमीटर की दूरी नाप सके मतलब अधिकतम कितना नाप सके, 6 डेसीमीटर। तो अधिकतम दूरी आपको कितना देके रखा है, 6 डेसीमीटर। इस पैमाने पर 4.2 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए, इस पैमाने पर 4.2 सेंटीमीटर की दूरी, डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो एक बार एक चार्ट बना देता हूँ, देखना। आपने देखा था मिली सेंटी डेसी मीटर, फिर क्या आता है डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। ये चार्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, ये चार्ट हमने डिस्कस करा था। उसके बाद देखना, तो ये सेंटीमीटर और डेसीमीटर ये तो कॉन्सिक्यूटिव यूनिट है। तो अब उसने नापने बोला आपको 4.2 डेसीमीटर। चलो इसके पहले आप आरएफ निकालो, आरएफ कितना देके रखा उसने, आरएफ देके रखा आपको 1/4। मैं आपसे की लेंथ ऑफ स्केल पूछूँ तो आप क्या बताओगे, लेंथ ऑफ स्केल होता है सर आरएफ इंटू अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी कितना है, 6 डेसीमीटर। अधिकतम कितना है, 6 डेसीमीटर। तो आप डेसीमीटर को काय में बदलोगे, सेंटीमीटर, क्योंकि आपका स्केल काय में बढ़ता है सेंटीमीटर में। तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 10। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब आप यहाँ किसका गुणा करोगे, 10 का। 1/4 इंटू 6 इंटू 10 का गुणा करोगे तो 60, ये इससे कितनी बार कटेगा, 15 बार। मतलब आपका लेंथ ऑफ स्केल कितना आया सर, 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल कितना आया आपका, 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक फंडा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो, मैंने बोला था जितनी आपका लेंथ ऑफ स्केल है उतनी लंबी एक लाइन खींचो, ठीक है। तो आप 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचोगे, ये पूरी स्केल 15 सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचे, ठीक है। अब इस लाइन के आपको कितने टुकड़े करने, मैंने बोला था जितनी अधिकतम दूरी दे के रखे उतने टुकड़े कर दो, जितनी अधिकतम दूरी दे के रखे उतने टुकड़े कर दो। तो अधिकतम कितना दे के रखा है, 6 डेसीमीटर। तो इस लाइन के कितने टुकड़े कर दोगे आप, 6। इस लाइन के कितने टुकड़े करोगे आप, 6 टुकड़े करोगे। तो सिंपल है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6। उसके बाद क्या करते हो आप, इस एंड चाप को इस एंड पॉइंट से मिला देते हो, इस एंड चाप को इस एंड पॉइंट से आप मिला देते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रोलर स्केल को सेट करके इसके समांतर रेखाएं खींचते हो, जो इस चाप से होकर जाए, लाइक दिस। आगे यहाँ तक समझ में, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर एक 2 सेंटीमीटर का डब्बा बनाते, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर ये डब्बा बना दिया, ठीक है। इन पॉइंटों को ऊपर ले जाओ, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखना, इसके बाद नंबरिंग की बारी आती है। नंबरिंग कैसे करोगे, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब उसने स्केल किसके बीच में बनाने बोला, उसने स्केल बनाने बोला डेसीमीटर और सेंटीमीटर के बीच। तो डेसीमीटर और सेंटीमीटर में क्या बड़ा होता है, डेसीमीटर बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे,
डेसीमीटर, यहाँ पर आप क्या लिखोगे डेसीमीटर, ये डेसीमीटर आपने लिख दिया। ठीक है, अब आपको स्केल का क्या बनाना है, सेंटीमीटर का। ठीक है, अब आप देखो कि आपको मेजर क्या करना है, तो आपको उसने नापने बोला 4.2 डेसीमीटर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4.2 सेंटीमीटर मतलब 4 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 4.2 को ऐसा लिख सकता हूँ ना 4 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 डेसीमीटर तो आप यहाँ से नाप लोगे और 2 सेंटीमीटर आप यहाँ से बना दो। ठीक है, आपको दो स्केल बनानी पड़ेगी ना, अभी तो आपने डेसीमीटर का स्केल बना, अब यहाँ पर सेंटीमीटर को बना दो। इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि डेसीमीटर और सेंटीमीटर आपस में क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, दोनों क्रमागत है, तो 4.2 डेसीमीटर को आप लिख सकते हो 4 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 2 सेंटीमीटर कैसे बनाओगे, तो आपको पता है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते, तो ये हर एक भाग एक एक डेसीमीटर का है, हर एक भाग एक एक डेसीमीटर का है। तो इस भाग के मैं यदि 10 टुकड़े कर दूँ, इस भाग के मैं यदि 10 टुकड़े कर दूँ, तो हर एक भाग एक सेंटीमीटर का कहलाएगा, हर एक भाग एक सेंटीमीटर का कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते, एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब इस लाइन के कितने टुकड़े करने, 10, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये आपका 10, ये 10 पार्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम इस एंड वाले चाप को इस एंड पॉइंट से मिलाते हैं, इस एंड वाले चाप को इस एंड पॉइंट से मिलाते हैं, फिर इसके पैरेलल लाइन, ठीक है, इसके बाद एक सेंटीमीटर पर एक लाइन खींच दो, ठीक है, फिर इन लाइन को ऊपर की ओर मिला दो, इस तरीके से ना। ठीक है, अब बारी आती नंबरिंग की, तो ये 0, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, और ये स्केल किसका बना, ये स्केल बना आपका सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर का। ठीक है, अब आप नाप क्या नापना, आपको 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 4 डेसीमीटर आप यहाँ से ले लो, ये 4 डेसीमीटर आपने यहाँ से ले लिया 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर के लिए 1, 2, ये 2 वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आके मिल रहा है, तो दैट दिस ये वाला। ठीक है, ये आपने जो बीच में ये जो डिस्टेंस आपको रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होगी, दैट इज़ ए 4.2 डेसीमीटर, 4.2 डेसीमीटर। पूरा स्केल बनने के बाद नीचे हम क्या लिखते हैं, आरएफ, सर इसका आरएफ कितना है, 1/4, और लेंथ ऑफ स्केल कितना है इसका, 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ स्केल कितना है इसका, 15 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्वेश्चन, कैसे करा इन क्वेश्चनों को हमने। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और इस वीडियो को देखने से पहले आप
एक बार पहले वाला वीडियो देखिए, स्केल पार्ट वन, जिसमें मैंने बेसिक बताया था कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, आरएफ कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए। ठीक, और यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।